मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक महिला पर एक शख्स ने कैंची से वार कर दिया है और वार करने के बाद ये आरोपी मौके से फरार भी हो गया है। दरअसल ये पूरा मामला उल्लास नगर का है, जहां एक कपड़ा सिलाई के कारखाने में 36 साल की एक विधवा महिला काम करती है और इस महिला से दयानंद फुगारी 36 वर्षीय से प्रेम संबंध था, मगर किसी कारण से इस महिला ने इस व्यक्ति के साथ जो प्रेम संबंध था उसे तोड़ दिया, जिसके बाद नाराज हुए इस व्यक्ति ने कारखाने में ही कैंची से इस महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, कैंची से इस महिला पर वार किया। हालांकि इस दौरान कारखाने में और भी लोग काम कर रहे थे, जो लोग बीच बचाव में आए और इस महिला को इससे बचाया गया। हालांकि कारखाने में लगी CCTV में ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है और महिला को जो काम करने वाले लोग थे वहां से उसे हटाया गया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से ही आरोपी दयानंद फुगारे फरार है।